नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, मैं हिमांशु। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। देश की आजादी में अपने युवावस्था को न्योछावर करने वाले राजसमंद के वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानी रामचंद्र बागोरा का आज 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सूचना फैलते ही जिले भर में शोक की लहर छा गई। नादवारा के बनास स्थित मुक्तिधाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर राजसमंद सांसद हरिओम सिंह राठौड़, उदयपुर विधायक गुलाब चंद कटारिया, राजसमंद विधायक किरण माहेश्वरी, मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, पूर्व मंत्री शिवदान सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवकी काका सहित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के दल से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर उनके ज्येष्ठ पुत्र शरद बागोरा ने मुखाग्नि दी। बागोरा के निधन पर भाजपा के सभी पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शोक व्यक्त करने पहुंचे। आज अल सुबह बागोरा के निधन के बाद उनके निवास पर सुबह से ही उनके निवास पर भीड़ जुटने लगी, तो भूतपूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रहने से स्थानीय युवा और नगर पालिका के कर्मचारी भी अंतिम विदाई देने पहुंचे। नियत समय पर उनके निवास से तिरंगे में लिपटे शव के साथ अंतिम यात्रा रवाना हुई, जो कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई बनास नदी किनारे मुक्तिधाम पहुंची। मुक्तिधाम से स्वतंत्रता सेनानी मदन मोहन सोमटिया ने भी अपनी साथी को अंतिम विदाई दी, जहां हिंदू रीति रिवाज और स्वतंत्रता सेनानी की गरिमा के अनुसार सभी विधियां पूर्ण करके उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा के दौरान अपने चहेते नेता और समाजसेवी रामचंद्र बागोरा के निधन से नाथद्वारा में हर किसी की आंखें नम हो गई। पहली टीम के प्रमुख लोगों में स्वतंत्रता सेनानी भी, देश की आज़ादी के लिए भी जिस प्रकार का इन्होंने संघर्ष किया, और भारतीय जनता पार्टी जो अब बनी है वो इन लोगों के कुछ खून पसीने से तैयार की हुई पार्टी है। तो प्रारंभिक समय में जिन लोगों ने कष्ट भुगत करके भी इस राष्ट्रीय पार्टी को खड़े करने में प्रयास किया, उसमें से भाग रहे थे, और सौभाग्य हमारा ये रहा कि लगातार तब से लेकर अब तक हमारा एक तरह से नेतृत्व करते रहे, हमको एक दिशा देने का प्रयास किया। मैं भाग्यशाली हूँ कि प्रारंभ में जब से मैं 61 से संघ में जुड़ा हूँ तब से लेकर के इनके साथ मुझे रहने का मौका मिला। तो विनोदी स्वभाव और जिस प्रकार का हर परिस्थिति में संघर्ष करने की जो वृत्ति थी, उन्होंने हम लोगों को प्रेरणा दी। हम सब के लिए दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे परम सम्मानीय पंडित रामचंद्र जी बागोरा आज हमारे बीच में नहीं है। ये विषय बहुत पीड़ादायक विषय है। आज हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारे विचार परिवार का मुखिया हमने खो दिया। इन्होंने अपने पूरे जीवन में एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते पार्टी की भावना से ऊपर उठकर सर्व समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए और उनकी सेवा के लिए क्या काम किया जाए, ऐसा विशाल हृदय लेके वो चले। एक बहुत अच्छे साहित्यकार, लेखक, कवि, और उसके साथ साथ में इन्होंने कई पटकथाएँ भी लिखी, तो लेखनी की कला भी उनमें खूब थी। उनका जीवन पूरा समर्पित था समाज को। जो भी उनसे मिलता था, नाथद्वारा क्षेत्र ही नहीं, संपूर्ण भारत के अंदर जहाँ जहाँ भी वो गए, जिनसे भी वो मिले, एक अमिट छाप उन्होंने अपने व्यक्तित्व की, अपने चरित्र की